जी, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर है, और इस लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई यू शुड चूज फिलोसफी एज एन ऑप्शनल। जिन लोगों ने अभी चूज नहीं किया और वो भी अटेम्प्ट के लिए अगर वो सोच रहे हैं फिलोसफी को एज एन ऑप्शनल रखना, या जो लोग ऑलरेडी भी रख चुके हैं और वो फिर भी थोड़ा उन्हें डाउट है कि हमने सही रखा है या गलत, तो उनके लिए ये रीजंस हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिलोसफी एक इजी सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू अदर्स। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट एट ऑल, इट इज एन इजी सब्जेक्ट। दूसरी बात, इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही शॉर्ट है। मतलब मेरे तो जितने भी सब्जेक्ट्स थे 12 सब्जेक्ट्स में से सबसे शॉर्टेस्ट सिलेबस इसी का था, और इसमें मैं मैक्सिमम कोई मैंने हफ्ता इसके पर लगाया होगा, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पूरे सीएसएस की प्रेपरेशन के दौरान। तो इतना इसका शॉर्ट सिलेबस है। थर्डली, ये सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग बहुत ज्यादा है। मतलब मेरे जितने भी 7 फ्रेंड्स हैं जिन लोगों का क्लियर हुआ और अच्छा क्लियर हुआ, किसी के भी मैंने 80s से नीचे नहीं देखे, सबके ही 80s में है। और इसको अगर आप कंपेयर करें बाकी सब्जेक्ट्स से तो आपको पता है कि उनका जो हाल है। चौथी बात, के मेरा इसमें फिलोसफी में 89 स्कोर आया, अल्लाह का शुक्र है। और मेरा इससे पहले कोई बैकग्राउंड नहीं था, ना मैंने लम्स में यूनिवर्सिटी में अपनी कोई कोर्स लिया, ना उससे पहले कोई लिया। वैसे मुझे इंटरेस्ट था और इतना, मतलब तो इसमें आपको कोई बैकग्राउंड के लिए की भी कोई जरूरत नहीं है सच। पांचवी बात, के आमतौर पे लोग पॉलिटिकल साइंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेते हैं कोर्स इंस्टेड ऑफ फिलोसफी। वो इसलिए कि जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 है वो और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उनका मोर और लेस सिलेबस ओवरलैपिंग है। लेकिन इस दफा जिन मेरे फ्रेंड्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लिया, उनके बहुत ही लो स्कोर आया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, उनके मतलब 50s में 40s में उनका स्कोर आ रहा था। और जिन लोगों ने फिलोसफी रखा उनका 80s में, तो देखें 40 मार्क्स का डिफरेंशियल क्रिएट हो गया। तो ये बात भी है, इस वजह से भी पॉलिटिकल साइंस के साथ आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि फिलोसफी रखें। उसके बाद ये काफी ज्यादा ओवरलैप करता है पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के साथ स्पेशली। फॉर एग्जांपल इसमें कार्ल मार्क्स, इब्ने खालदून, इसके अलावा मुस्लिम फिलोसफर्स जिसमें इकबाल, तो ये चीजें, और हॉब्स, उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के साथ, तो उन सब्जेक्ट्स में भी ये आपको हेल्प करेगा। सातवीं रीजन ये है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कि मतलब ये इसमें आप बोर नहीं होते, बहुत मतलब इंटेलेक्चुअली बहुत स्टिम्युलेटिंग है। आठवीं रीजन ये है कि ये आपके होराइजन्स बहुत ज्यादा ब्रॉड कर देता है, मतलब वर्ल्ड मेक्स मोर सेंस टू यू आफ्टर यू ऑप दिस सब्जेक्ट। और नौवीं रीजन ये है कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक मेथड जो है वो इसी के, फिलोसफी के जो मेथड्स हैं जैसे कि इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, सोक्रेटिक मेथड, इन सब को मिला के ही साइंटिफिक मेथड कहते हैं। और उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं, कोई भी बात आपने जज करनी होगी ये सही है गलत है, तो आप साइंटिफिक मेथड के थ्रू यू कैन सी वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में भी है। सो दीज आर द रीजंस व्हाई यू शुड चूज फिलोसफी एज एन ऑप्शनल। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अब फिलोसफी तो आपने ऑप्शनल चूज कर लिया, अब आप कहेंगे कि भाई इसकी तो हम तैयारी खुद भी कर सकते हैं या किसी और से भी कर सकते हैं, हम आपसे क्यों लें? तो उसकी रीजन ये है कि पहली बात, अल्लाह का शुक्र है अच्छे मार्क्स आ गए, 89 मार्क्स आए मेरे फिलोसफी में इस अटेम्प्ट में। और दूसरी बात ये कि आई वॉज एबल टू गेट दिस स्कोर, इफ इट इज नॉट द हाइएस्ट देन इट हैज टू बी वन ऑफ द हाइएस्ट, तो बाय स्पेंडिंग वेरी लिटिल टाइम। तो मैं आपको इस तरह ये कोर्स कवर कराऊंगा कि आपको भी उसी तरह बहुत कम टाइम के साथ ये आपके बहुत हाई स्कोर आ जाए। सो दीज आर द रीजंस व्हाई यू शुड टेक दिस कोर्स फ्रॉम मी। उसके बाद हम सिलेबस का इसका ओवरव्यू करते हैं। सिलेबस इसका आप लोगों ने देखा ही होगा। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि 8 7 क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव, जिनमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 3 आप छोड़ सकते हैं।
तो हम सिलेबस को इस तरह कवर करेंगे कि आपके 7 में से 5 क्वेश्चंस आपको आराम से आते ही होंगे, और तो उस हिसाब से, और ज्यादा करने का टाइम ज्यादा उसके पर लगेगा और उसका इतना फायदा नहीं है। इस वजह से हम वो वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जिनको आप कम से कम टाइम में कवर करके बहुत हाई स्कोर ले सकते हैं। अब इन टॉपिक्स में कौन से हैं? पहला पहला जो है इंट्रोडक्शन, और ये वाली चीज ही हम छोड़ देंगे। उसके बाद फिलोसॉफिकल मेथड्स में सोक्रेटिक मेथड, ये बिल्कुल हम करेंगे, इसके ऊपर आता है शॉर्ट नोट ऑन सोक्रेटिक मेथड। उसके बाद इंडक्टिव मेथड भी हम करेंगे, उसके बाद डिडक्टिव मेथड ये भी हम करेंगे, ये डायलैक्टिकल मेथड ये मैं आपको करा दूं, लेकिन ये इट्स ट्रिकी टू ग्रास्प, तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा और ये आता भी बहुत कम है, तो हम इसको स्किप करेंगे। उसके बाद फेलिबिलिस्टिक मेथड ऑफ पॉपर, ये हम करेंगे। उसके बाद नंबर 3 एपिस्टेमोलॉजी में आ जाए, तो रैशनलिज्म में हम रैशनलिज्म की डेफिनेशन करेंगे कि ये होता क्या है रैशनलिज्म। उसके बाद हम डेकार्ट और स्पिनोजा की रैशनलिज्म करेंगे। उसके बाद एम्पिरिसिज्म पे आ जाए, 3 एपिस्टेमोलॉजी में आगे, इसमें हम वो करेंगे इसकी डेफिनेशन के व्हाट इज एम्पिरिसिज्म, और लॉक और बर्कले दोनों की एम्पिरिसिज्म, लॉन्ग विद ह्यूम तीनों की एम्पिरिसिज्म हम करेंगे। उसके बाद ट्रांसेंडेंशलिज्म कांट की हम बिल्कुल करेंगे, और इंट्यूशनिज्म बर्गसन की हम स्किप करेंगे। उसके बाद ऑन्टोलॉजी पे आ जाए नंबर 4, इसमें हम आइडियलिज्म की डेफिनेशन में और बर्कले की आइडियलिज्म करेंगे सिर्फ। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म में हम लॉक की रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म करेंगे। उसके बाद हिस्टोरिकल एंड डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म मार्क्स की, ये हम बिल्कुल करेंगे सिलेबस में कवर आपके। उसके बाद एथिक्स पे आ जाए, इसमें सबसे पहले व्हाट इज मोरालिटी ये हम कवर करेंगे कि व्हाट इज बेसिकली मोरालिटी, इसकी डेफिनेशन। उसके बाद ये आगे 2-3 चीजें हम स्किप करेंगे, और उसके बाद हम आएंगे साइकोलॉजिकल एंड एथिकल इगोइज्म, तो ये चीजें हम जरूर कवर करेंगे। उसके बाद विर्चुअल एथिक्स अरिस्टोटल की, ये हम स्किप करेंगे, और मोरल एब्सोल्यूटिज्म कांट की ये हम कवर करेंगे, यूटिलिटेरियनिज्म भी हम कवर करेंगे, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हॉब्स और रॉल्स की ये भी हम कवर करेंगे। उसके बाद मुस्लिम थिंकर्स में हम सबसे पहले तो गजाली और इकबाल को कवर करेंगे, उसके साथ साथ हम क्या कहते हैं इब्ने खालदून को भी कवर करेंगे, और टाइम अगर बचा तो इनमें से एक दो और भी हम कवर कर लेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइम। उसके बाद आ गई आपकी लास्ट में कंटेम्प्रेरी फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स, इसमें हम एग्जिस्टेंशियलिज्म, हाइडिगर और सार्ट्रे, ये तो बहुत ही मजे के कॉन्सेप्ट्स हैं, और इनकी आपने यूट्यूब पे वीडियोस शायद देखी ही हो, मैं भी आपको लिंक्स दूंगा, और ये तो हम बिल्कुल करेंगे, बहुत मजे के टॉपिक्स हैं। उसके बाद प्रैग्मेटिज्म, पर्स, जेम्स और ड्यूई, इन तीनों की हम करेंगे, ये बहुत ही मजे का सब्जेक्ट है, टॉपिक है। उसके बाद नियो प्रैग्मेटिज्म हम स्किप करेंगे रॉल्टी की, पोस्ट मॉडर्निज्म में हम सिर्फ माइकल मिकेल फुको की करेंगे, बाकी दोनों को हम स्किप करेंगे, और जनरली हम ये भी देखेंगे कि व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इतना करने से आई कैन सेफली से कि आपको 7 में से 5 क्वेश्चंस तो आपके बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, और बहुत कम टाइम में आप यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी हाई। अच्छा जी, मूविंग ऑन, इसके बाद जो हमारे मतलब टोटल 10 लेक्चर्स होंगे, 2 वीक्स में वो कवर हो जाएंगे, और उन लेक्चर्स में आपके थोड़े थोड़े मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद पॉज करके हम इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जिसमें आपको जो चीज समझ नहीं आई वो आप सारे क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन, हर किसी की क्वेरीज आंसर करेंगे, और फिर हम आगे मूव करेंगे। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद पॉज दे के आपका एक इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, इंटरेक्टिव लेक्चर्स होंगे ये सारे। उसके बाद मैं आपको ये भी साथ साथ बताऊंगा कि आप हाई स्कोर कैसे इसमें अचीव कर सकते हैं। एक तो आपका नॉलेज कंपोनेंट हो गया, उसके अलावा पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे आपने हेडिंग्स बनानी है, सब हेडिंग्स बनानी है, कहाँ पे आपने ब्लू मार्कर यूज करना है, कहाँ पे ब्लैक पेन यूज करना है, कहाँ पे ब्लू पेन यूज करना है, और किस तरह आपने इंट्रोडक्शन और फिर बाद में उसकी बॉडी और फिर कंक्लूजन देना है, ये चीजें हम सारी देखेंगे कि किस तरह स्कोर उठाया जाता है। और उसके साथ साथ, और ये आपको ना सिर्फ फिलोसफी में बल्कि आपको और सब्जेक्ट्स में भी ये आपको काफी हेल्पफुल होंगी।
उसके बाद हम टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स के ऊपर देखेंगे। मैंने अपने इस तरह से बनाई हुई थी कि जब एमसीक्यू का पेपर आता था तो 9:15 तक मैं एमसीक्यू कर लेता था, और जैसे ही मेरे सामने सब्जेक्टिव पेपर आता था शुरू में ही मैं उसके ऊपर मार्जिन्स लगा चुका होता था। 9:15 के ऊपर आई वॉज एबल टू स्टार्ट माई सब्जेक्टिव पेपर, और उसके बाद मैंने अपनी एक टाइम की सेट की होती थी कि मैं 10 बजे Q1 खत्म करूंगा, क्योंकि Q1 आपको जनरली बहुत अच्छा आता होता है तो आप उसके ऊपर ज्यादा टाइम लगा सकते हैं। तो मैं उसके ऊपर 45 मिनट्स लगा देता था, ज्यादा टाइम। उसके हिसाब से फिर मैं Q2 इसी तरह 10:40 पे खत्म करता था, और इसी तरह 3 एंड 4, वो मैंने एक प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम की बनाई हुई थी कि विच वॉज द ऑप्टिमम इन माई ओपिनियन। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, और आपको जो मैं असाइनमेंट्स दूंगा उसमें आपको फिर देखेंगे कि आप वो फॉलो कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो वी विल रिपीट अंटिल यू परफेक्ट इट। अच्छा, उसके बाद मेरे जो अपने नोट्स हैं इसके फिलोसफी के, वो मैं आपके साथ सारे शेयर करूंगा। वो ऑब्वियसली मैंने तो काफी मेहनत के बाद उनको बनाया था, लेकिन अब वो जिस कंसाइज फॉर्म में है वही आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा इसमें। और उसके अलावा भी जो रेलिवेंट यूट्यूब की वीडियोस हैं या कोई और अच्छा आर्टिकल है, कोई वेबसाइट है, वो भी मैं आपके साथ इस कोर्स में शेयर कर दिया करूंगा। उसके बाद आपको कोर्स के दौरान 10 लेक्चर्स हैं तो उनमें असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी, और आपकी असाइनमेंट्स भी मैं इवेल्युएट करके उनके ऊपर आपको फुल फीडबैक भी दूंगा। उसके बाद एंड में, कोर्स के एंड में एक आपका मॉक एग्जाम भी हो जाएगा विच आई विल इवेल्युएट एंड गिव फीडबैक। और अच्छा जी, ये अब हो गया, अब करते हैं हम क्वेश्चन आंसर सेशन। अच्छा, मैं आपको बारी बारी अनम्यूट करता जाता हूँ, तो फिर आप काइंडली अपना सब लोग हैंड रेस करते जाएं और मैं आपको बारी बारी अनम्यूट करता जाऊंगा, और वी विल मूव अहेड। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे पॉलिटिकल साइंस सर मेरी भी पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं, और मैं फिलोसफी चूज करना चाह भी रही हूँ। तो सर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, तो आपने काफी एम्बिग्विटीज हमारी क्लियर कर दी हैं। और सर जो आपने हमें 10 लेक्चर्स में पढ़ाना है, अगर हम वो साथ साथ 2 to 3 आवर्स में उन चीज़ों को रिवाइज करें, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि 10 लेक्चर्स में हमारा खुद भी वो पेपर क्लियर, आई मीन बिल्कुल रेडी हो जाएगा हम साथ साथ पढ़ेंगे तो, या उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नीडेड है। और जो सर आप नोट्स देंगे वो तो बहुत कंसाइज होंगे, पॉइंटर्स होते हैं जैसे हम खुद भी बनाते हैं रिकॉल करते हुए कि सब्जेक्ट जो है बिल्कुल 3 4 पेजेस पे आज एंड तक रिविजन करते हुए, तो वो हमें कितना हेल्प आउट कर सकेगा सर। और इस तरह से सर कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, लाइक कि एंड पे आप मॉक लेंगे, असाइनमेंट्स लेंगे, और सर हमेशा स्कोरिंग ट्रेंड इसका ऐसे ही रहता है, कितने लोग फिलोसफी टॉप करते हैं, या इसकी जगह क्रिमिनोलॉजी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सर हम बड़े कंफ्यूज हैं इसमें, क्लियर कर दें प्लीज। अच्छा, आप इतने आपके क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे आपको भूल गया, आप काइंडली वन बाय वन एक एक करके पूछ लें दोबारा, तो मैं हाँ आपको जी, बारी। श्योर 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 सर। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके 10 लेक्चर्स जो हैं उसमें हम डेली 2 आवर्स हैं सब्जेक्ट को मटेरियल निकाल के पढ़ लें, उसको रिकॉल कर लें, तो हम 10 डेज में कंसिडर कर सकते हैं कि वह सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा जिनका पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी दोनों है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका 10 डेज में, 10 डेज आर मोर देन इनफ टू इसको कवर करने अच्छा के जी, लिए, मोर देन। और जी सर जी आगे। सेकेंड ये कि फिलोसफी वाकई कम लोग ऑप्ट करते हैं मे बी, तो सर हम इसका हमेशा स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा ही रहेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब हमने देना हो तो खुदा ना खासा वो अप एंड डाउन हो जाए सब कुछ। सही, ये फिलहाल तो लास्ट ईयर से भी ऐसे ही अच्छा ही जा रहा है, 80s में लोगों के मार्क्स आराम से आ रहे हैं, और इन द नियर फ्यूचर भी मुझे लगता है कि ऐसे ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस जब कभी जाके बहुत ज्यादा लोग ऑप्ट करना शुरू हो जाएं, फिर तो ऑब्वियसली कंपटीशन भी बढ़ जाएगा और फिर इतना अच्छा स्कोर नहीं आएगा।
लेकिन अभी तो उसके कोई आसार नहीं, तो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स मैं इसका देख रहा हूँ कि ऐसे ही आएगा। स्टेबिलिटी है। अच्छा सर, और मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने रिपीटेडली कहा कि 7 out of 5 जो सॉरी 5 आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं इस पेपर में, तो सर हर पेपर में जनरल पैटर्न तो 4 का है और 7 MCQs होते हैं ना, एम आई राइट सर? जी क्या क्या सर क्या इसमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़े। नहीं नहीं सर आपने कहा जैसे है कि कि इसमें 5 क्वेश्चंस जी ऐसे ही फाइव है मतलब। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते सर ना। नहीं, मैं आपको ये हाँ मैंने जी ये कहा बताइए है सर। कि आप ये लेक्चर्स अटेंड करने के बाद यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। ठीक है, आपने अटेम्प्ट तो अच्छा 4 ही अच्छा कर। ठीक है सर। और सर जो आप कंसाइज नोट्स देंगे फिर हम उनसे कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि सर हम आपको तो सुन चुके होंगे, फिर हम यूट्यूब वीडियोस कैसे देखेंगे, थोड़ा मुश्किल है ना सर। हमें थोड़े से डिटेल नोट्स अगर मिल जाएं तो, या मतलब सर हमें इंडिपेंडेंट रिसर्च ना करनी पड़े, हम थोड़े इस टाइम पे को बिल्कुल टाइम फ्रेम बहुत जो है इस टाइम बिल्कुल ऐसे। रिस्ट्रिक्ट मैं हुआ हुआ है। आपको जो वो एक्स्ट्रा लिंक्स तो उनके लिए होंगी कि जो लोग अगर ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, वैसे जो मैं आपको नोट्स दूंगा आप सिर्फ वही नोट्स ही पढ़ के आप एग्जाम में चले जाएं तो आप बहुत आसानी से हाई स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ भी और ना पढ़े तो ना सर वो तो पॉइंटर्स तो होंगे ना, सर वो तो हाँ जी पॉइंटर्स होंगे ना, उनकी जो डेफिनेट लेंथ है वो तो आपको पता होगी ना सर, वो तो हमें नहीं पता होगी ना उन पॉइंट्स के नहीं, वो पीछे इतनी पॉइंटर्स नहीं, डिटेल्स। और वो एग्जैक्ट आपके आंसर्स होंगे, वो मतलब दे विल बी एग्जैक्ट आंसर, 20 मार्क्स के आंसर्स या 10 मार्क्स के नोट है तो उसके आंसर आपने जाके वही कॉपी पेस्ट बस करना है एंड यू विल स्कोर रियली हाई। हेलो जी, शायद आपका डिस्कनेक्ट हो गया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे फिलोसफी के कुछ जॉर्गन्स होते हैं और वो जॉर्गन्स नहीं लिखो तो कट हो जाते हैं, तो वो जॉर्गन्स भी आप हमें बताएंगे क्या? इसमें ऐसे जार्गन्स इतना यूज नहीं होते और मैंने भी ऐसे जितने जार्गन्स यूज नहीं किए थे तो फिर भी अच्छा स्कोर आ जाता है। तो लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड अगर आप यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कोई भी आप एथिक्स का क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर रही हैं और यूटिलिटेरियनिज्म का अटेम्प्ट कर रही हैं तो उसके ऊपर आप लिख सकती हैं एथिकल इगोइज्म, साइकोलॉजिकल इगोइज्म, इस तरह की अगर आप यूज कर लें तो बोनस है, बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड, रियली रिक्वायर्ड इन फिलोसफी। और सर सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि इसके लिए बुक्स हमें कितनी रीड करनी पड़ेंगी, क्योंकि सर मेरी नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट है, तो सर मैं तो ज़्यादा मतलब रीड करना चाहती हूँ, तो आप हमें एक्स्ट्रा रीडिंग्स भी देंगे जिन्होंने एक्स्ट्रा पढ़ना हो? और थर्ड सर मैंने ये कहना है कि आप जैसे कुछ अकेडमीज में यहाँ पे लाहौर में मॉक टेस्ट और मॉक एग्जाम्स वगैरह में फिलोसफी ऑफर नहीं होता, तो फिर हम मॉक टेस्ट वगैरह के लिए अगर हम आपसे इस सेशन के बाद में कॉन्टेक्ट में रहना चाहें तो क्या पॉसिबल होगा? सर बिल्कुल ये होगा। क्वेश्चन मैं मेरे। जी मैं आपको बुक्स भी रिकमेंड कर दूंगा, जैसे आपके पास 2 साल हैं तो वो भी जी आप सर। आराम से पढ़ सकती हैं। और इसके अलावा CSS आर्किटेक्ट्स के थ्रू मैं आपको वो क्या कहते हैं अपना वो कॉन्टेक्ट वगैरह दे दूंगा तो आप लोग इजीली इवेल्युएट करा सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है। बाद में भी करा सकते हैं क्योंकि मुझे आइडिया है कि बाकी अकेडमीज ऑफर नहीं करती, तो उस मामले में आप बेफिक्र हो जाए कि यस सर। आगे फिर इवेल्युएट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर वालेकुम सलाम। सर ये इसकी रीडिंग्स को, एक तो वो इंटरनेशनल ऑथर्स की सर रीडिंग है सर, जिस तरह वो स्टोरी ऑफ फिलोसफी होगी और हो गए या फिर इस तरह के इंटरनेशनल ऑथर्स है, इनकी कोई लोकल बुक है जिस तरह वर्ल्ड टाइम्स के बुक होती हैं जो सिलेबस स्पेसिफिक होते हैं? एंड सेकंड इज सर के आप ये मैं आपका वो आंसर कर जो देता हूँ, आप काइंडली सेकंड ऑब्जेक्टिव्स के बात बारे में लीजिएगा, सर। फिर वो क्वेश्चन स्लिप हो ओके जाता है सर, तो आप मैं आंसर आपका। कीजिए। जी थैंक यू। तो ये जो है इसकी कोई कंसाइज बुक लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये मैंने खुद भी बड़ी तलाश की थी तो वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं
अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे तो एक तरह से आप उन्हें भी एक कंसाइज बुक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। चलिए सर, दैट्स गुड। लेकिन आपके अगर जब आप अपना वो पेपर शेयर करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा देन हाउ वी आर सपोज टू टेक द आंसर, ये भी हेल्पफुल हो जाएगा सर। ऑब्जेक्टिव्स की आपके पास इसकी तो पास पेपर हिस्ट्री पड़ी हुई है ऑब्जेक्टिव्स की? ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज यस सर। वो मेरे पास हिस्ट्री तो नहीं पड़ी हुई, लेकिन वो मैं आपके थ्रू बाकी सब कैंडिडेट्स को भी बताना चाहूंगा कि एक ऐप है, आईफोन पे भी अवेलेबल है और गूगल पे भी, एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल होगी। उसका नाम है CSS MCQs, ठीक है। उसके ऊपर आपके सब मोस्ट ऑप्शनल और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, और वो बड़ी अच्छी ऐप है। और मैं उसी के थ्रू ही मैंने प्रिपेयर किए थे एमसीक्यूज फिलोसफी के, और मेरे 20 में से या तो 20 के 20 ठीक थे या 19 ठीक थे, तो वो सिर्फ मैंने वहां से किए थे और सारे हो गए थे। और उसके अलावा आप अगर वहां पे फर्स्ट करें अवेलेबल नहीं है, तो आप पास पेपर्स निकाल के, अवेलेबल हैं इसके एमसीक्यूज स्पेशली जो ज्यादा पुराने वाले हैं, वहां से आप पास्ट के एमसीक्यूज कर लें तो वो भी आपके फिर सारे कवर हो जाते हैं। ऐसे मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कोई कंसोलिडेटेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं यूं बात कर रही हूँ सर, मेरा नोट के हवाले से एक क्वेश्चन है, अगर आप उसका आंसर कर दें तो। सर सभी यही कहते हैं कि बुलेट फॉर्म में नोट्स बनाएं, लेकिन सर मेरे माइंड में यही क्वेश्चन आता है, बुलेट फॉर्म में अगर हम नोट्स तभी बना पाएंगे ना अगर हमने पहले लॉन्ग नोट्स बनाए हों, क्योंकि उससे पहले तो हम शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते। ये आपकी बात सही है, और फिलॉसफी में मैंने भी ऐसे किया था। पहले बहुत ज्यादा लेंथी बनाए थे और फिर उनको शॉर्ट करते करते सिर्फ 20 मार्क्स की क्वेश्चन के हिसाब से ही उनको फिर बनाया था। तो वो कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्सिटी के बाद ही सिंप्लिसिटी आती है। जो डायरेक्ट सिंप्लिसिटी रीच करता है वो मतलब इट्स नॉट रियल सिंप्लिसिटी। तो पहले मोस्टली आपको बनाने ही पड़ते हैं लॉन्ग वाले। अस्सलाम ठीक है सर। सर वालेकुम सर। बाकी मैंने बुक्स का पूछना था सर। जी आप पूछ लें। सर मैंने बुक्स का पूछना था, आपने फिलोसफी के लिए कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया था? मैंने फिलोसफी के लिए मैंने कोई भी बुक फॉलो नहीं की थी as such, जीरो बुक। मैंने सर फिर ऑनलाइन ही आपने पहले प्रेपरेशन मैंने पहले ऑनलाइन ही ठीक प्रेपरेशन की थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें स्पिनोजा की रैशनलिज्म है, तो मैंने ऑनलाइन जाके उसके पास पेपर्स देखे। पास पेपर्स में हमेशा सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है स्पिनोजा की रैशनलिज्म का, थ्री टाइप्स ऑफ नॉलेज बाय स्पिनोजा। वो मैंने सर्च किया और उससे मैंने नोट्स बना लिए, कोई बुक उसके लिए फॉलो नहीं करनी पड़ी। सर। मैंने दोबारा एक फिर क्वेश्चन करना है सर, लॉन्ग जो नोट्स होते हैं वो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर लॉन्ग नोट्स बनाते बनाते बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसलिए। वो आइडियली अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में आंसर मिल जाता है, 20 मार्क्स का जो आपका केटर करता है, फिर तो आपको लॉन्ग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और इंशाल्लाह मैं जो आपको नोट्स दूंगा वो 20 मार्क्स के हिसाब से ही बने हुए हैं, तो अगर आप उनको ही समझ के याद कर लें और जाके वहीं पे एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर लें तो आपके आराम से नंबर आ जाएंगे, तो फिर आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अरे आप CSS की एप्लीकेशन के बारे में बता रहे थे, तो काइंडली आप ये बता सकते हैं कि उसमें इस सब्जेक्ट के भी सारे MCQs होंगे मौजूद? वो CSS MCQs की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर मुझे ये याद नहीं है कि फिलोसफी के भी थे या नहीं थे, बाकी तो सारे सब्जेक्ट्स के थे। आई थिंक फिलोसफी के शायद 3 4 5 पेपर्स के थे या नहीं थे, वो आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन वो ऐप
प्ले स्टोर पे और गूगल पे तो काफी इस नेम से काफी एप्लीकेशंस हैं, तो आप उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। मैं आपके साथ वो बिल्कुल ही शेयर कर दूंगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, नो सर थैंक यू प्रॉब्लम, वेरी मच सर। नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, ये फिलॉसफी वाले ग्रुप में एक सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, तो मेरा जी लॉ का बैकग्राउंड है, लेकिन इस बार बहुत अच्छे मार्क्स हैं और माशाल्लाह आपके भी बहुत अच्छे ही मार्क्स हैं इसमें फिलॉसफी में, तो मैं मेरा माइंड फिलॉसफी रखने का था, लेकिन मेरा लॉ का बैकग्राउंड है, तो मैंने सोचा मुझे उसमें हेल्प मिल सकती है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में। ऑलमोस्ट मैंने उसका सिलेबस चेक किया है, वो सारे सिलेबस है मेरा एक बार तो गो थ्रू हुआ हुआ है, तो मैं आपसे ये सजेशन लेना चाह रहा हूँ कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे रहूं या फिलॉसफी पे रहूं। देखिए, मैं तो पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा, आपका चले बैकग्राउंड तो है लेकिन, और अगर जी आपने सर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कवर किया हुआ है तो वो आपका जाय नहीं हुआ, वो आपको सर पॉलिटिकल सीएसएस साइंस की सेंस में के। नहीं किया हुआ मैंने, तो लॉ में जो रिक्वायरमेंट होती अच्छा है जिस टॉपिक की मैंने उतना किया हुआ सजेस्ट। सही है, तो फिर तो आपने मतलब सीएसएस स्पेसिफिकली तो वो आपने वैसे भी नहीं किया हुआ, जी जी तो बिल्कुल मेरे से अगर आप पूछें तो मैं तो आपको फिलोसफी ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अब देखिए एक तरफ स्कोर आ रहा है 40s में, 48-49, और दूसरी तरफ 88-89, सही तो 40 सही। मार्क्स से कहाँ एलोकेशन नॉन एलोकेशन, टॉप लेकिन सर हंड्रेड से मैंने अपर। फिलॉसफी का सिलेबस चेक किया है, उसके मैंने सारे टॉपिक देखे हैं, तो वो सारे टॉपिक मैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, उनका नाम मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। तो ये इतने मुश्किल नहीं है, मतलब अच्छा जी, जी, तो इससे मतलब घबराने की जरूरत कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लॉ है। में एक है सर वो बिल्कुल टेक्निकल बेस है कि आपने वो एक्यूरेसी उसके अंदर बहुत ज्यादा है, कि अगर कुछ आइन का कुछ आर्टिकल है या आपने अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में कोई लॉ देना है तो आपने एक्यूरेट डेट और उसके पीएलडी बिल्कुल वैसे के वैसे लिखने हैं, तो मुझे सीनियर कह रहे थे कि फिलॉसफी में एज सच कुछ नहीं है, आपकी अपनी वर्डिंग भी उसमें आ जाती है, जस्ट आपको उसकी एक सेंस आनी चाहिए, तो आप मुझे बेहतर मशवरा दे सकते हैं उसका। बिल्कुल ऐसे है, इसमें आपको अगर फर्ज करें आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और अगर आपको वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता, फिर भी अगर आपको जी उसकी सेंस है कि मतलब कि क्या है, तो आप उसको मोल्ड करके अपने हिसाब से एक बड़ा अच्छा आंसर लिख सकते हैं। मुझे एक दो क्वेश्चन ऐसे थे पेपर में नहीं आता था, तो मैंने वही बैठे बैठे ही उसका बना लिया और माशा अलग अलग देखें अच्छे नंबर आ गए, तो वो प्रूफ है कि आप इस तरह कर सकते हैं फिलोसफी ठीक हो गया, तो सर मुझे भी चेंज कर लेना चाहिए, में। जी मैं आपको मेरे ख्याल में, थैंक यू सर, बस फिर मैं इसको चेंज करता हूँ। थैंक जी थैंक यू यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो पास पेपर्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे मेन हर्डल्स वो होते हैं, हम जनरली तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सर जो हम पढ़ लेते हैं लेकिन जो पास पेपर्स लेके बैठते हैं तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। काइंडली सर हमें स्पेशली पास पेपर्स के कंटेक्स्ट में जो है ना पिछले 3-4 सालों के या 5 सालों के एनालिसिस जरूर कराइएगा सर। और हम जो भी टॉपिक सर आप करेंगे मुझे ना सुन सकते हैं? प्राइवेट, जी जी मैं आपको सुन रहा हूँ, और जो भी हम टॉपिक करेंगे सबसे पहले हम उसके पास्ट पेपर क्वेश्चंस ही देखेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर पास्ट पेपर्स पे ठीक ये है क्वेश्चंस आते हैं, और हम मेनली उनके आंसर्स ही डिस्कस करेंगे जो मेरे अपने आंसर्स हैं। और सर आपके तो हिस्ट्री में कौन सा सब्जेक्ट था? हिस्ट्री में, यूएस हिस्ट्री 60 और सर उसमें आपका कैसा स्कोर है? 60 आया। 60, तो सर आप क्या रिकमेंड करते हैं, यूरोपियन हिस्ट्री पढ़नी चाहिए या यूएस हिस्ट्री? यूएस हिस्ट्री में मेरा लग शुक्र है सही आ गया, अच्छा आ गया, लेकिन नॉर्मली यूएस हिस्ट्री हिट होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यूरोपियन हिस्ट्री रखें, वो स्कोरिंग भी है और मुझे तो वो इंटरेस्टिंग भी बहुत ज्यादा लगता है, तो आई वुड रिकमेंड और सर यूरोपियन वो हिस्ट्री। एक्सटेंसिव है, और उनके मेंटोर कौन हो सकते हैं? सर वो थोड़ी एक्सटेंसिव है और उनके मेंटोर कौन रख सकते हैं हम? इसमें क्या मेंटोर? हाँ जी, और सर वो थोड़ी एक्सटेंसिव है यूरोपियन हिस्ट्री यूएस हिस्ट्री से?
एक्सटेंसिव है, ये उसका एक ड्रॉबैक है कि यूएस हिस्ट्री बहुत ही शॉर्ट है। मतलब मैंने तो एक नोवा की एक शॉर्ट सी बुक थी कोई 100-150 पेजेस की, मैंने सिर्फ वही करनी थी और कवर हो गया। यूरोपियन हिस्ट्री थोड़ा एक्सटेंसिव है, लेकिन उससे ये है कि आप बहुत सेफ हो जाते हैं और स्कोर भी फिर उसका वो आपको डिविडेंड भी पे करता है। तो आई थिंक इट्स वर्थ इट कि सीएसएस जैसा एग्जाम है, अगर थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़े जी, तो इट डज पे ऑफ। तो सर हम किससे पढ़े, कोई मेंटोर हमें बता दे सर जिनसे हम यूएस हिस्ट्री पढ़ सके, सॉरी यूरोपियन हिस्ट्री। आई हैव नो आइडिया, मैं किसी को ऐसे सच नहीं जानता। सर ये मेरा एक ठीक है, रेलेवेंट शुक्रिया। क्वेश्चन है, यूरोपियन या ब्रिटिश हिस्ट्री? यूरोपियन या ब्रिटिश हिस्ट्री? जी सर। अच्छा यार, आपका वैसे पहले क्वेश्चन हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, सर वो रेलेवेंट है इसलिए मैंने कर दिया। अच्छा यूरोपियन ब्रिटिश हिस्ट्री का आई हैव नो आइडिया, लेकिन मेरे ख्याल से तो इट विल बी बेटर देन यूएस हिस्ट्री से तो बेटर होगा, क्योंकि यूएस हिस्ट्री अक्सर टारगेट होता है। तो और स्पेशली यूएस हिस्ट्री के साथ आपको अगर इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल लॉ हो तब आपका एक अच्छा सेट बनता है और आप कर सकते हैं, वरना यूएस हिस्ट्री से तो ब्रिटिश हिस्ट्री भी मेरे अगर ख्याल से पॉलिटिकल बेटर साइंस है। हो, अगर पॉलिटिकल साइंस हो मेजर में, तो फिर तो यूएस हिस्ट्री मेरे ख्याल से इतना फेवरेबल नहीं है। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। नो प्रॉब्लम। कौन आई? ओके, हेलो हेलो जी जी सर। सर ये क्वेश्चन यही है बेसिकली कि अभी इसमें जो रिकमेंडेड बुक है वो बर्ट्रेंड बर्ट्रेंड रसेल की बुक है, वो वेस्टर्न फिलोसफी वाली, तो उसको जब पढ़ते हैं तो उसमें तो डिफिकल्टी होती है समझते हुए फिलोसफी को। बिल्कुल उसमें शायद मुश्किल लिखा हुआ है या शायद मुझे लग रहा है मुश्किल, तो ये इश्यू उसमें आता है। आपके कहने के मतलब अभी आपकी अभी अब आज होगा डेमो तो विल नो ये टॉपिक्स इजी टू ग्रास्प है या इसी तरह इतने ही डिफिकल्ट है जितना उस बुक पे लगते हैं? नहीं, देखिए अब देखिए, बर्ट्रांड रसल ने वो बुक एज अ कोर्स मटेरियल तो नहीं लिखी हुई ना, उसने तो वो वैसे ही टू कवर द होल लैंडस्केप ऑफ फिलोसफी उसने वो बुक लिखी थी। हमने तो कवर करना है सिर्फ सीएसएस स्पेसिफिक, एक 20 मार्क के क्वेश्चन का आंसर या 10 मार्क के क्वेश्चन का आंसर या 5 मार्क के क्वेश्चन का आंसर। तो वो तो जाहिर बात है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है वो वाली बुक। और वैसे अगर आप करें नोट्स के थ्रू जो इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, तो वो आपका काफी शॉर्ट हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने एफर्ट की है अपनी तैयारी के दौरान, वो अब आपको आप वहीं से उसको यूज करके आप इजीली कर सकते हैं आगे, आपको बुक्स पढ़ने की राइट जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट थैंक्स। और एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि जिसने अभी ये 22 के लिए पेर होना है 33 मंथ्स, तो उसके लिए ये सेफ है ना, सेफ टू गो विद दिस वन अब एट दिस स्टेज? क्योंकि प्रीवियसली मैं किसी और कोर्स के साथ था लेकिन मैं उससे कोई इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो आई वांट टू गो आउट फॉर दिस वन बिल्कुल कि 10 दिन में अगर बिल्कुल हो जाए लाइक 15 दिन ले लें। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट, सही है, नो थैंक यू। प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम मेरा क्वेश्चन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड लिटरेचर का है, इंग्लिश लिटरेचर का, और मैं लास्ट ईयर से प्रेप कर रही हूँ। मेरी पॉलिटिकल साइंस की भी प्रेप ऑलमोस्ट कंप्लीट है और फिलोसफी के भी मैंने पहले कुछ नोट्स बनाए, ठीक है, और जेंडर स्टडीज पंजाबी कंप्लीट। सर मुझे अपने 6 सब्जेक्ट में बहुत इशू हो रहा है। मैंने यूएसए हिस्ट्री पढ़ा, 2 मेंटोर्स से क्लासेस ली, खुद भी पढ़ा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हो पा रही। तो मेरे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं एक्चुअली मुझे हिस्ट्री शायद पसंद नहीं है, तो मुझे अभी ये समझ नहीं आ रही मैं यूरोपियन हिस्ट्री रखूँ या पब्लिक एड। मेरा अपना व्यू पॉइंट पब्लिक एड का था, लेकिन बहुत से सीएसपीज रिकमेंड कर रहे हैं कि पब्लिक एड टारगेट होता रहता है। तो सर अब आप बता दें, फिर मैं पब्लिक एड रखूँ या फिर ब्रिटिश हिस्ट्री पे ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? यूरोपियन हिस्ट्री आपका मतलब है? सर यूरोपियन हिस्ट्री रखूँ, पब्लिक एड नहीं रखूँ फिर?
जी अच्छा, पब्लिक एड का ये है कि मेरे हिसाब से पब्लिक एड एक मुश्किल सब्जेक्ट है, और पर्सनली मैंने जब उसका सब्जेक्ट सिलेबस देखा था तो इट लुक रियली डिफिकल्ट टू मी। ठीक है, तो अगर मैं आपकी जगह होता मैं तो आंखें बंद करके इनमें से यूरोपियन हिस्ट्री चूज करता, क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री स्कोर भी देता है नॉर्मली और इंटरेस्टिंग भी है कि आप सारे मतलब ब्रिटिश की और यूरोप की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वो आपको आगे अब जैसे जी ज्यादा फेल होने के चांस तो नहीं होते, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह सही होंगे। इसमें मतलब सिक्स मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या रखूं, तो अगर ब्रिटिश हिस्ट्री तो इसमें ज्यादा चांस तो नहीं है फेल के। नहीं, इसमें देखिए यूएस हिस्ट्री में तो हम सुनते हैं कि एच पे होते हैं लोग या तो, लेकिन यूरोपियन हिस्ट्री में तो एज सच कभी नहीं सुना। ठीक है सर, थैंक यू सो तो मच। आई वुड रिकमेंड इन माय लिमिटेड नॉलेज मैं तो आपको यूरोपियन हिस्ट्री रिकमेंड करूंगा कि ये अच्छा सब्जेक्ट ओके सर, थैंक यू सो मच। है। नो प्रॉब्लम। जी उस्मान, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कर लें काइंडली। जी सर, सर मैंने ये पूछना था, अगर क्रिमिनोलॉजी 80% रेडी हो फिर भी इसके मार्क्स देख के मुंह में पानी आ रहा हो तो ये रखें या क्रिमिनोलॉजी अभी रखें, अभी इसी अटेम्प्ट के लिए 2022 के लिए? यार अगर 80% तैयार है फिर तो आप क्रिमिनोलॉजी ही रखें, फिर स्विच करने की आई थिंक जरूरत नहीं है। 80% तैयार है, दैट्स माय व्यू। सर आपने एक बात की तो मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, मैंने सोचा मैं दोबारा पूछ लूँ। जैसे कि सर आप कह रहे थे कि इनोवा की आपने बुक पढ़ी है, यूएस हिस्ट्री की, वो आपने सारी पढ़ ली, तो सर जब मैं कोई भी बुक खोलती हूँ ना तो मैं जब उसको याद करने लगती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसा कि ये रूट लर्निंग हो रही है, और मेरे माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि मे बी इसका मटेरियल भी अच्छा ना, तो सर इस तरह की कंफ्यूजन से हम कैसे जान छुड़वाएं? वो ऐसे हो सकते हैं जैसे अब देखिए मैंने यूएस हिस्ट्री के लिए नोवा वाली बुक फॉलो। हम जब डिग्री डिग्री की स्टडी कर रहे होते हैं तब तो हम याद ही कर रहे होते हैं जो भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सर सीएसएस में मुझे समझ नहीं आ रही कि चीजें हमने याद करनी होती हैं या फिर जस्ट बार बार पढ़ना होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। जी अब देखिए मैसेजेस आ रहे हैं कि फिलोसफी की क्लास हो रही है तो बाकी लोग थोड़ा वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अभी मैं आपका लास्ट क्वेश्चन ये आंसर करता हूँ थोड़ा इरेलीवेंट, और फिर हम सिर्फ फिलोसफी को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो है यूएस हिस्ट्री की जनरली जो आपको रिकमेंड करते हैं ना लोग, जैसे कि नोवा मुझे काफी सीएसपीज ने रिकमेंड की थी कि इट इज अ वेरी गुड बुक, मैंने देखा कि इट लुक लाइक अ गुड बुक टू मी, तो मैंने बस उसको फॉलो करके कर लिया, तो आपको कहीं ना कहीं तो वो लेना ही पड़ता है ना, लीप ऑफ फेथ एंड इट वर्क्ड, तो इस मतलब तरह सर ये आपने हो सकता याद किया था उसको? ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसमें तो रोट लर्निंग है और इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब सर हम बाकी सब्जेक्ट के साथ भी ऐसा ही ट्रीट कर सकते हैं ना, मतलब याद ही करना होता है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है, नो जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम। अच्छा जी मोहम्मद बिलाल, आपका अगर क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ लें। अच्छा सलामिक सर, जी सर वालेकुम कैसे हैं? सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप सर पॉलिटिकल साइंस में आपका कितना स्कोर था और ओवरऑल आपके सर? यार अब ये मैंने डीएमसी तो शेयर नहीं की हुई, और ये क्या कहते हैं फिलोसफी की क्लास है, अक्सर लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सिर्फ फिलोसफी को ही डिस्कस करें, तो एक और जनरल अच्छा हम क्वेश्चन सर, कर लेंगे और उसमें फिर वो बाकी को डिस्कस कर लेंगे। ठीक तो सर ये बता दें कि इसके क्वेश्चन की लेंथ कितनी रही आपकी फिलोसफी के क्वेश्चन के पेपर में? कोई कह रहा था कि हार्डली आप 2-3 पेजेस का भी लिख लें तो एनफ होता है, क्योंकि इट्स लाइक मैथ 2+2=4। सर ये आप ठीक कह रहे हैं, मतलब मैंने ये कुछ सुना है इसके बारे में। यार आई वुड से ऑन एवरेज मेरी लेंथ 5 से 6 साइड्स रही, 5 से 6 साइड्स, तो ऑन ओके सर एवरेज ये। हाँ
एंड इट इज मोर देन सफिशिएंट, उससे आप देख लें अच्छा स्कोर आ जाता है। सर इसके बारे में ये भी था कि इसमें आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बता दें और आपको अपनी तरफ से कोई ओपिनियन वगैरह इसमें नहीं देना पड़ता, ये मैंने इसके बारे में सुना है। तो सर अगर कहते हैं कि आप वो डायरेक्ट सही बता दें तो आपको एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काट सकता, पूरे नंबर उसको देने पड़ते हैं, तो ये भी बात सर ठीक है? ये बात ठीक है, लेकिन अगर आप कि उसके ऊपर अगर आपका कोई अच्छा ओपिनियन है फिलोसफी के किसी क्वेश्चन के ऊपर, फॉर एग्जांपल यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया था और उसमें जनरली पूछे हुए थे कि आपको मेजर प्रेमिसेस, मेजर सेलियंट फीचर्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म बता दें, तो अगर मैं वही भी बता देता तो इट वुड हैव वर्क्ड। लेकिन मेरा उसके ऊपर ओपिनियन था कि एथिकल थ्योरी के तौर पर यूटिलिटेरियनिज्म से बेटर कांट की जो थ्योरी है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स, उससे ज्यादा बेटर है, तो मैंने ये अपना ओपिनियन भी एंड पे दे दिया। तो अगर आपके पास ऐसा कोई ओपिनियन है तो आप वो भी दे सकते हैं, तो आई थिंक इट वुड हेल्प अगर आपके पास है तो आप दे दें। ओके सर, सर आप बेसिकली सर हमें आपसे ये क्लास लेने के लिए था हमारा फायदा कि आप हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देंगे तो आपके नोट से भी हेल्प होगी। तो सर और काइंडली सर हमें ये बता दें कि इसमें एमसीक्यूज में भी आप बता रहे थे कि 20 में से 20 आपके ठीक हो गए थे, तो ये भी सेफ साइड है कि एमसीक्यूज में बंदे के 18-19 ठीक हो जाते हैं? यार मेरे तो साथ जो दोस्त थे वो भी सारे, बल्कि मैं कह रहा था यार शायद मेरे 20 में से 19 ठीक हो, मेरे दोस्त कह रहे थे 20 के 20 हमारे ठीक होंगे, तो वहां से पता लगता है कि जनरली यही होता है। अगर आप एमसीक्यू की इसकी तैयारी कर लें तो आपके जनरली आपको सारे ही आते होते हैं, तो इसी वजह से तो ये इतना हाई स्कोरिंग है। ओके सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। जी सर एक फॉलो अप क्वेश्चन कि ये इसमें जो इंग्लिश का किसी का एक्सप्रेशन अगर सिंपल है तो वो चल जाएगा या उसके लिए थोड़ा सा अच्छा एक्सप्रेशन चाहिए? दैट्स द क्वेश्चन। या क्योंकि ये अब देखें ये एनवायरमेंटल साइंस टाइप तो सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें हार्ड आपके फैक्ट्स यूज होते हैं, थोड़ा सा इसमें अगर आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो तो डेफिनेटली इट वुड हेल्प। राइट थैंक यू। अच्छा अब देखें आपके क्वेश्चंस थोड़े हो गए, अब हम आज की क्लास में एक टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक है फिलोसफी का, जो के आपके फिलोसॉफिकल मेथड्स हैं, पहला जो टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी वो हम स्किप करेंगे, और उसके बाद फिलोसॉफिकल मेथड्स हैं और उनमें सबसे पहले है सोक्रेटिक मेथड, तो हम आज की क्लास में सोक्रेटिक मेथड को कवर कर लेंगे और आगे हम फिर आगे चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सोक्रेटिक मेथड, और उसके बाद फिर एक दफा इसको कवर करने के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस लूंगा कि जो भी आपको उसमें चीजें क्लियर नहीं है तो वो हम उसको डिस्कस करके फिर क्लियर कर लेंगे। Just give me 1 minute, ये बस क्लोज हो जाए और दूसरा फिर ओपन करते हैं। जी अब ये फिलोसॉफिकल मेथड्स में सबसे पहला हमारा टॉपिक है सोक्रेटिक मेथड, इसको हम सोक्रेटिक मेथड ऑब्वियसली कहते हैं क्योंकि इट वाज यूज्ड बाय सोक्रेटिस। अब इसके ऊपर पास्ट क्यूज में हमेशा एक ही सवाल आता है कि शॉर्ट नोट सोक्रेटिक मेथड, और यही एक ही क्वेश्चन आता है, और इसका आई एम नॉट श्योर ये 5 मार्क्स का होता है या 10 मार्क्स का, ये मैं आपको चेक करके दोबारा कंफर्म कर दूंगा, लेकिन 5 या 10 मार्क्स का होता है और उसके लिए आपको बस उसी के ही नोट्स चाहिए, इसके अलावा आपको इसका कोई नहीं चाहिए एज सच। अच्छा इसके ऊपर जो आपने आंसर लिखना है ना उसकी मैंने प्रॉपर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की फॉर्म में ही ये स्लाइड्स बनाई हुई हैं, तो अगर आप यही चीजें ही प्रोड्यूस कर देंगे सोक्रेटिक मेथड का, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का और आप यही कॉपी पेस्ट कर देंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 10 में से 8-9 इतने तो एटलीस्ट आ ही जाएंगे। सो
फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन कि सोक्रेटिक मेथड है क्या. इट इज द मेथड ऑफ इंक्वायरी एंड इंस्ट्रक्शन. अच्छा इसके बाद ये सारी जो स्लाइड्स हैं ये नोट्स की फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा. इट इज द मेथड ऑफ इंक्वायरी एंड इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयड बाय सोक्रेटिस कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चनिंग्स. मतलब वो क्वेश्चंस करता था, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चनिंग्स थी. द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू इलिसिट अ क्लियर एंड कंसिस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग सपोज टू बी इम्प्लिसिटली नोन बाय ऑल रैशनल बीइंग्स. मतलब जो चीजें हमें इम्प्लिसिटली पता होती हैं कि ये ऐसे होता है, वो उनको उनकी क्लियर एंड कंसिस्टेंट एक्सप्रेशन की तलाश में जो मेथड यूज करता था उसको हम सोक्रेटिक मेथड कहते हैं. उसके बाद आगे चलें, इसकी फीचर्स क्या हैं, व्हाट इज द सोक्रेटिक मेथड. इसी तरह आप इसकी हेडिंग बनाएंगे, नंबर टू फीचर्स ऑफ सोक्रेटिक मेथड. फिर उसकी पहली आप सब हेडिंग बनाएंगे कि उसकी पहली फीचर ये थी कि आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस टू मेक एक्सप्लिसिट द कॉन्ट्रडिक्शंस. वो क्वेश्चंस पहले आस्क करता था ताकि कॉन्ट्रडिक्शंस एक्सपोज हो जाएं. वो कहता था सोक्रेटिस टॉट स्टूडेंट्स बाय आस्किंग क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन. ही सॉट टू एक्सपोज कॉन्ट्रडिक्शंस इन द स्टूडेंट्स थॉट्स एंड आइडियाज टू देन गाइड देम टू सॉलिड जस्टिफिएबल कंक्लूजन्स. मतलब ऐसी कोई बात ना हो, जो भी बात हो इट शुड बी सॉलिड एंड बेस्ड ऑन रीजन, बेस्ड ऑन सबस्टांस, इट शुड बी जस्टिफिएबल. तीसरा पॉइंट ये है कि द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द सोक्रेटिक मेथड इज दैट स्टूडेंट्स लर्न थ्रू द यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजन. ये इसके पीछे प्रिंसिपल बेसिकली ये है, ये इसकी फीचर है. दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स फाइंडिंग होल्स इन देयर ओन थ्योरीज एंड देन पैचिंग देम अप. वो अब ये कैसे होगा ये हम आगे देखेंगे. अच्छा इसकी आप सब हेडिंग बी बनाएंगे कि ये दिस इज अ मेथड ऑफ हाइपोथेसिस एलिमिनेशन. इट इज अ मेथड ऑफ हाइपोथेसिस एलिमिनेशन इन दैट बेटर हाइपोथेसिस आर फाउंड बाय स्टेडिली आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग दोज दैट लीड टू कॉन्ट्रडिक्शंस. जो पुरानी हाइपोथेसिस जिनमें वो कॉन्ट्रडिक्शन रिवील करता था वो एलिमिनेट हो जाती थी, उनकी जगह फिर नहीं आती थी. फिर उसमें भी वही कोई कॉन्ट्रडिक्शन रिवील करता था और वो एलिमिनेट हो जाती थी, फिर उसकी जगह नहीं आ जाती थी. सो दिस इज अ मेथड ऑफ हाइपोथेसिस एलिमिनेशन. अब हम इसके देखेंगे ये होता बेसिकली कैसे था, इसके स्टेप्स क्या हैं सोक्रेटिक मेथड के. उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस भी लेंगे इंशाल्लाह, आपको जो चीजें अनक्लियर हैं वो सारी क्लियर करेंगे. इसके पहला स्टेप ये था कि आप पहले तो हाइपोथेसिस जो है ना या स्टेटमेंट आप उसको स्टेट करें कि सोक्रेटिस कन्वर्सेशनल पार्टनर असर्ट्स अ क्लेम. फॉर एग्जांपल करेज इज एंड्योरेंस ऑफ द सोल, उसका पार्टनर ये कहता था. अब सोक्रेटिस डिसाइड्स वेदर द क्लेम इज फॉल्स एंड टारगेट्स फॉर रेफ्यूटेशन. अब वो रेफ्यूट करने के लिए पहले ही जनरेटेड फर्दर प्रेमिसेस. वो अपने इंटरलोक्यूटर की फर्दर प्रेमिसेस के लिए एग्रीमेंट ले लेता था. फॉर एग्जांपल वो कहता था कि करेज इज अ फाइन थिंग एंड इग्नोरेंट एंड्योरेंस इज नॉट अ फाइन थिंग. पहली स्टेटमेंट ये थी कि करेज इज एंड्योरेंस ऑफ द सोल, लेकिन वो कहता था भाई करेज तो फाइन थिंग है लेकिन इग्नोरेंट एंड्योरेंस दिस इज नॉट अ फाइन थिंग. सो ही हैड दिस कॉन्ट्रडिक्शन एंड देन ही मेड एक्सप्लिसिट दिस कॉन्ट्रडिक्शन. कि सोक्रेटिस देन आर्ग्यूज and the interlocutor agrees, these further premises imply the contrary of the original thesis. In this case, it leads to courage is not endurance of the soul. So, उसने वो contradiction explicit कर दी और उसको कहा कि नहीं, उसका opposite true है. उसके बाद उसने कहा कि hypothesis successfully disproven. Socrates then claims he has shown the interlocutor's thesis is false and its negation is true. और इसका पांचवा स्टेप ये था कि अ मोर रिफाइंड हाइपोथेसिस इज नाउ एग्जामिन्ड एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड. वन सच एग्जामिनेशन कैन लीड टू अ न्यू मोर रिफाइंड एग्जामिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट बीइंग कंसीडर्ड. इन दिस केस इट इनवाइट्स एन एग्जामिनेशन ऑफ द क्लेम करेज इज वाइज एंड्योरेंस ऑफ द सोल. देखें जैसे हमने डिस्कस किया इसमें होती है हाइपोथेसिस एलिमिनेशन. अब पिछली जो हाइपोथेसिस थी
रिजिड एंड्योरेंस ऑफ द सोल वो एलिमिनेट हो गई. अब एक नई हाइपोथेसिस आ गई कि करेज इज वाइज एंड्योरेंस ऑफ द सोल. अब अगेन ये इस हाइपोथेसिस को स्टेप 5 से स्टेप 1 पे ले जाएगा और ये सारे स्टेप्स दोबारा रिपीट करेगा. इस तरह ये इसकी हाइपोथेसिस मोर एंड मोर रिफाइन होती जाएगी एंड यू वुड गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू ट्रुथ. अच्छा, इसकी आप एक और सब हेडिंग डी बनाएंगे कि मोस्ट सोक्रेटिक इंक्वायरीज कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एग्जामिनेशंस एंड टिपिकली एंड इन पजलमेंट नोन एज एपोरिया. तो जनरली एक वो कंफ्यूजन ही क्रिएट हो जाती थी जिसको अपोरिया कहते थे, सोक्रेटिक डायलॉग्स और क्वेश्चनिंग के एंड के ऊपर. ये भी आप लिख देंगे अपने आंसर में. उसके बाद हम इसकी लास्ट जो मेन हेडिंग बनाएंगे वो बनाएंगे कंटेम्परेरी रेलिवेंस की, और हम उसमें दो एग्जांपल्स दे देंगे. इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं अपने आंसर्स में कि द मेथड इज स्टिल पॉपुलर इन लीगल क्लासरूम्स टूडे. आजकल के जो क्लासरूम्स हैं यूरोप के हो गया, यूएसए के, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो यही सोक्रेटिक मेथड ही यूज करते हैं जब लॉयर्स को ट्रेन करे होते हैं या जजेस को, ताकि उनकी आर्गूमेंट स्ट्रांग हो और वो कॉन्ट्रडिक्शंस रिवील करना सीखें और ताकि दे आर बेटर लॉयर्स एंड बेटर जजेस. तो ये आप एग्जाम्पल स्टेट कर सकते हैं. सेकेंड, आप ये एग्जाम्पल स्टेट कर सकते हैं कि मेहदी हसन, जो कि बहुत फेमस इंटरव्यूअर है, आपने देखा होगा अल जजीरा पे वो प्रोग्राम करता है, और स्पेशली रिचर्ड डॉकिंस का जो उसका इंटरव्यू है उसमें वो स्पेसिफिकली रिचर्ड डॉकिंस से सोक्रेटिक मेथड ही यूज करता है और कहता है कि यू सेड दिस इज ट्रू, और रिचर्ड डॉकिंस अग्री करता है, यस आई सेड दिस टू बी ट्रू. वो कहता है कि इफ दिस इज ट्रू देन दिस वुड मीन दैट. तो फिर रिचर्ड डॉकिंस की वो कॉन्ट्रडिक्शन एक्सप्लिसिट हो जाती थी एंड ही वॉज फोर्स्ड टू कंसीड सम पॉइंट्स. तो इसकी आप ये कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस भी, इसका भी जिक्र कर सकते हैं, ये आपको इंशाल्लाह बहुत हाई स्कोर देगा. तो अब आपके जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस लेते हैं. जी, अब आप लोग अपने क्वेश्चंस काइंडली हैंड रेज करते जाएं और हम आंसर करते जाएंगे. सर, ये जो पहला लेक्चर हुआ है इसमें बहुत सारी ऐसी वोकैबुलरी थी जिससे अभी हम अनफैमिलियर है, जिसकी वजह से आई गेस आई विल से फॉर मोस्ट ऑफ माय क्लास के दिस साउंड द कॉन्सेप्ट साउंडेड वेरी एलियन टू मी. तो सर, इज इट पॉसिबल के व्हेन जिस तरह आपने एंटर मेडिएशन वाला सारा बताया था ना, जिस तरह वो डिडक्टिव मेथड यूज करता है, तो इट एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग आई गेस टू मी. सर, इस तरह अगर लेक्चर होंगे तो सही होगा, नहीं तो अगर अनफेमिलियर जार्गन्स पढ़ने हैं तो सर मजा नहीं आएगा, ना ही समझ आएगी, ये तो डरावना काम लग रहा है फिर. ये तो वैसे देखें, ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा वैसे भी थोड़ा समझाने में ट्रिकी है, ठीक है, सोक्रेटिक मेथड वाला, तो इस वजह से भी आपको थोड़ा ऐसा लगा होगा. लेकिन इसमें अब मैं और क्या आपके साथ थोड़ा स्लो हो सकता हूँ शायद, लेकिन एंड पे देखें, जब मैंने आपके साथ वो शेयर किया, उसका एग्जांपल शेयर की, तो आई थिंक आपको काफी क्लैरिटी उसके ऊपर आ गई होगी, और साथ में आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा, तो आप इनको दोबारा खुद ही पढ़ सकते हैं. ओके सर, थैंक यू. सर, ये था कि सर सोक्रेटिक मेथड में मुझे ये समझ लगी है कि सर ये एक सॉकेट्स का मेथड था जिस तरह को यूज करते हुए सर अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना चाह रहा था ताकि उनका आर्गुमेंटेशन बिल्ड हो, और वो मतलब उनके पहले हाइपोथेसिस जनरेट करते थे और बाद में उसको फिर नेगेट भी कर देते थे कंट्राडिक्शन लेकर आकर, और एक नए हाइपोथेसिस की तरफ वो जा रहे थे ताकि वो ट्रुथ को फाइंड कर सकें, ताकि वो ट्रुथ को फाइंड कर सकें, और एंड में जाकर वो जो उनका उनका जो आखिर में जो हाइपोथेसिस बचता है उसको फिर सर को फाइनली उसको मतलब डिक्लेयर करें. मुझे तो ये समझ लगी सर.
जो फाइनल था ना वो उसको भी फिर दोबारा फर्स्ट के ऊपर ले जाएंगे और ये इनडेफिनेटली ये प्रोसेस चलता रहता है. मतलब इवेंचुअली जब वो खुद रुक जाएंगे, अच्छा ठीक है भाई इस हाइपोथेसिस के ऊपर वी आर नाउ सेटिस्फाइड. सर ये मतलब रुकता नहीं है प्रोसेस, मतलब इसको निगेट करते रहेंगे और फिर दोबारा से फिर एक नया प्रोसेस आएगा और फिर ये. हाँ ये वैसे तो नहीं रुकता, लेकिन आप इजीली अपने अंडरस्टैंडिंग सिंपल रखने के लिए आप ये कह सकते हैं कि चलें ये दो तीन स्टेप्स के बाद ये फिर रुक जाता है और फिर एक उन्हें स्टेटमेंट मिल जाती है जिसके ऊपर वो राजी हो जाते हैं. ओके सर, ओके थैंक यू सर. नो प्रॉब्लम सर. इसमें ये भी पूछना था कि सर ये जितना अपनी मटेरियल हमने आपने बताया कि बेटा ये हेडिंग्स हैं, तो सर इसकी यही हम एनएफ लिखते हैं तो काफी है सर ये? ये यार मोर देन इनफ है. मतलब ये आपका पता नहीं, मुझे अब याद नहीं है 10 मार्क्स का क्वेश्चन है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. आप यही रिप्रोड्यूस कर दें आपके बहुत हाई मार्क्स आ जाएंगे. ओके सर, थैंक यू सर. अस्सलाम वालेकुम जी सर. मैंने ये कहना है कि आपने पेपर प्रेजेंटेशन वाइज इक्वेशन बहुत अच्छा करवाया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया हुआ था लेकिन मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये वाकई बहुत अच्छा आंसर है. लेकिन सर मुझे बस ये थोड़ा सा इशू आ रहा है कि जैसे इसमें वो कैब बहुत हाई लेवल की थी, मतलब समझ आ रही है लेकिन हमें इसको लर्न करना पड़ना है, तो क्या हम इसमें से कुछ कुछ वर्ड्स लर्न करें या एज इट इज इसको क्रैम कर लें आंसर्स, क्योंकि क्वेश्चंस तो सेम ही आते हैं पेपर में. बिल्कुल क्वेश्चन तो सेम ही आता है. अगर आपको ये वाली कैब थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है आप इसको रिप्लेस कर सकती हैं अपने थोड़ा इजी वोकैब के साथ. और सर, अगर आप इतनी हाई ही लिखी थी पेपर में, मेरे लिए तो ये मतलब इजी है, लेकिन आपको आप वन बाय वन पूछें, आपको जो जो समझ नहीं आया वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं अगर आप. सर नहीं मुझे समझ आ गई है, वैसे मतलब वर्ड्स सोए हाई थे वोकैब, तो इसलिए मैं कह रही हूं कि आपके लिए आपने यही बट सारे लिखे थे कि आपकी थोड़ी सिंपलीफाई थी लैंग्वेज, बस ये मुझे कंफर्म कर दे. नहीं बिल्कुल मैंने यही लिखे थे. मैं तो जनरली भी इसी तरह हाइपोथेसिस और डिडक्टिव मेथड मैं तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करते रहता हूं, तो मेरे लिए तो ये नॉर्मल है वैसे. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर एक्चुअली आई हैव टू क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन इज इट आई वांट टू अपीयर इन केपी पीएमएस, सो विल योर लेक्चर्स इनेबल मी टू प्रिपेयर टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दोज एज वेल, क्योंकि सीएसएस में जो है तो हम पर्सनालिटी वाइज करते हैं, मतलब अगर हम आइडियोलॉजिकल स्कूल की बात करें तो फिर हम इसमें प्लेटो बर्कले और इस तरह मतलब पर्सनालिटी वाइज करते हैं, और केपी पीएमएस में जो है तो स्कूल वाइज आता है, मतलब उसमें है कि आप इम्पेरिकल स्कूल पे लिखे या आप प्रैग्मेटिज्म पे लिखे, तो इस तरह से भी प्रिपरेशन करवाएंगे. और दूसरा ये कि आप हमें नोट्स देंगे, क्योंकि आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं. बिल्कुल, ये सारे जैसे मैंने हेडिंग्स बनाई हुई थी ये सारे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, और बस काइंडली आप आगे लोगों के साथ शेयर ना कीजिएगा ताकि फ्यूचर के जो मैं क्लासेस लूँ मैं उनको भी अपने नोट्स खुद ही दे सकूँ. तो बाकी तो आपको सारे प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जहां तक आपका क्वेश्चन है सारे प्रोवाइड करूंगा. और जहां तक आपका क्वेश्चन है उसका पीएमएस का, मैं आपको ऐसी मैं कहूँ कि इस क्लास से पीएमएस भी कवर हो जाएगा, उसका आई एम नॉट श्योर कि पीएमएस भी कवर होगा, क्योंकि जहां तक पीएमएस का मैंने सिलेबस देखा था वो काफी लंबा था और उसमें काफी ऐसे टॉपिक्स थे जो सीएसएस में नहीं है, तो आई थिंक उसके लिए आपको और भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा. सर वो तो ठीक है जो टॉपिक्स नहीं है, पर जो टॉपिक्स है तो क्या वो स्कूल वाइज कवर हो जाएंगे? पीएमएस का मुझे as such आइडिया नहीं है. अब जैसे प्रैग्मेटिज्म है, ये हम बहुत प्रैग्मेटिज्म का टॉपिक हम बहुत अच्छी तरह कवर करेंगे, और पीएमएस में भी अगर 20 मार्क्स का प्रैग्मेटिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छी तरह उसके ऊपर प्रैग्मेटिज्म की as such डेफिनेशन, फिर पर्स की प्रैग्मेटिज्म, उसकी विलियम जेम्स की प्रैग्मेटिज्म, ड्यूई की प्रैग्मेटिज्म, उन तीनों की हेडिंग्स बना के उनके बहुत ज्यादा पॉइंट्स आप लिख सकती हैं. So I think it should be good enough for that. Sir, मुझे सबसे ज्यादा मसला जो है वो आइडियलिज्म में है, बाकी फिर भी समझ में आ जाती है, आइडियलिज्म में बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ. आइडियलिज्म कुछ भी नहीं है, मतलब
आइडियलिज्म वो मैं आपको समझा दूंगा जब वो टॉपिक आएगा, उसमें सिर्फ बर्कले की ही आइडियलिज्म इम्पोर्टेंट है और बहुत सिंपल है वो, कुछ भी नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। और जब तक क्लियर नहीं होगा आगे मूव हम नहीं करेंगे, तो आप वो भी फिक्र हो जाए, क्लियर करवा दूंगा मैं आपको। सर उसमें सब सब्जेक्टिव आइडियलिज्म ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म ये सब कुछ होगा? नहीं नहीं नहीं, ये शायद आपके पीएमएस में है, सीएसएस में तो सिर्फ बर्कले की आइडियलिज्म है या जनरली आइडियलिज्म के ऊपर शॉर्ट नोट आता है, तो हम इसमें वो कवर करेंगे। अच्छा सर, ठीक है, होपफुली इट हेल्प्ड। यस सर, ओके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कुछ दिन पहले ना शुरू की थी तैयारी इसी फिलॉसफी की, तो आई मीन के जो मेथड है उनको बंदा जब स्टडी करता है तो वो समझ आ जाते हैं, उनकी जो क्रक्स है एसेंस है वो समझ आ जाती है, लेकिन एज कम्पेयर सीएसएस के हवाले से मतलब कि आपने जब फुल लेंथ लिखना होता है एक, तो उसको कैसे फुल लेंथ पे लेके जाया जाए? जैसे यार वो मैंने भी ऐसे ही किया था, पहले मैंने उनकी क्रक्स को समझा था, जैसे अभी हमने सोक्रेटिक मेथड की बात की, मैंने पहले इसकी क्रक्स को समझा, फिर मैंने देखा कि इसके ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो मैं अब 2-3 लाइनों में भी क्रक्स बयान की जा सकती है, अब उसके बाद तो आपको नंबर ही नहीं मिल सकता ना, तो फिर मैंने उसको इस तरह टेलर किया कि 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ जाए या 5 मार्क्स का तो वो वाला आंसर जो है बहुत हाई स्कोर मुझे मिल जाए, तो वो खुद आपको मेहनत करके वो फिर बनाना पड़ता है समझने के बाद, तो ये है कि इन नोट्स से आपको डायरेक्टली आप चले जाएंगे, आप करेक्ट समझने के बाद ये नोट्स कॉपी कर लें तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट जो दूसरे सब्जेक्ट से मेरे ऑप्शनल और कंपलसरी वो प्रिपेयर किए हैं, अभी मैंने अपना सब्जेक्ट करना था फिलोसॉफी उठाना था सर, और इससे पहले मेरा सब्जेक्ट था इंटरनेशनल लॉ, तो मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि सर के फिलोसॉफी अगर आप देखें मतलब हार्डली 2.5 मंथ्स रह गए हैं सर, मतलब 2.5 मंथ रह गए हैं रिटन एग्जाम में सर, तो आप क्या समझते हैं कि मतलब पॉसिबल है कि मतलब मतलब कवर करना काफी, वैसे मतलब मेरा तो जो बैचलर से वो आईआर में हुई है यार, फिलॉसफी 10 दिन से ज्यादा की मार नहीं है जी सर, फिलॉसफी का जो कोर्स है 10 दिन से ज्यादा की मार नहीं है, ठीक है। हेलो, तो अगर आप 10 दिन भी इसके ऊपर अच्छी तरह लगा लेंगे तो ये आपका मोर देन इनफ आपका कवर हो जाएगा, तो इसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, जिस तरह जी सर आपने जिस तरह ये सोक्रेटिक मेथड आपने इसको मतलब ब्रेक किया हुआ तो टॉपिक को, ये बहुत मतलब बेहतर लगा क्योंकि आपने जो हेडिंग्स बनाई हुई थी ये बहुत ज्यादा मतलब पेपर में हेल्पफुल हो सकती हैं, तो सर जो थ्रू जो सिलेबस है वो आपने इसी तरह डिजाइन किया हुआ है सर? बिल्कुल बिल्कुल, हर हर क्वेश्चन का जैसे देखें 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज बाय स्पिनोज़ा है, उसकी भी इसी तरह आपको हेडिंग्स सब हेडिंग्स और सारा वो बताया हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गजाली की वो आता है क्रिटिसिज्म ऑफ द फिलोसफर्स, वो भी इसी तरह आपकी हेडिंग्स सब हेडिंग्स में प्रॉपर 20 मार्क्स के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, तो सबके ईच एंड एवरी क्वेश्चन के इसी तरह ही बनाए हुए हैं। जी सर, और सर एमसीक्यूज के लिए आप क्या मतलब सजेस्ट करेंगे कि वो इसी मतलब टॉपिक से ही हो जाएंगे या उनके लिए अलग सेपरेट मतलब कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी? बिल्कुल सेपरेट करनी पड़ेगी, आप सही कह रहे हैं, वो ऐसे कि जैसे मैं फिलोसफी को अगर मैंने 3-4 दिन में मैंने कवर किया था तो मैं रोज टाइम रखता था दोपहर 2 से दोपहर 3 बजे तक,
मैं उसके एमसीक्यूज करता था पास पेपर्स के, या वो सीएसएस एमसीक्यूज वाली ऐप से हो जाते थे, या फिर आप पास पेपर्स गूगल पे कर लें और वहां पे आ जाते हैं तो वहां से भी इजीली कवर हो जाते हैं। तो आप जस्ट 5 से 6 भी अगर आप पास पेपर्स कर लें तो आपके एमसीक्यूज इतने अच्छे हो जाते हैं कि 17 से 18 तो आपके वैसे भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं फिर। जी सर, ये कन्फ्यूजन थी कि मैंने मतलब जैसे ही मतलब फिलोसॉफी का रिजल्ट देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा मतलब गया, और इंटरनेशनल लॉस मतलब मैंने ऑप्ट किया हुआ था लेकिन इतना वो मतलब बेहतर स्कोर प्रॉमिसिंग स्कोर नहीं था, तो माशाल्लाह आपने अच्छा स्कोर किया हुआ है तो इस वजह से मैंने समझा कि आप बेहतर आप गए कर सकते हैं। सर कितने हफ्तों तक कर गया आपने कोर्स सर? जी ये लास्ट में आपने क्या कहा, कोर्स कितने हफ्तों की ड्यूरेशन का है सर? ये मतलब ये कितनी क्लासेस होंगी सर? टोटल 10 क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे। जी 5 क्लासेस नेक्स्ट वीक में और 5 क्लासेस उससे नेक्स्ट वीक में। 10 क्लासेस में 1.5-1.5 घंटे की क्लास होगी रोज, उसमें आपका ये सारा कवर हो जाएगा। जी सर, और सिलेबस हो जाएगा ऑलमोस्ट तकरीबन सर इसी ड्यूरेशन में सर? आपका ये इससे भी वैसे कम में हो जाएगा, जितना मैंने किया था ना वो आपका शायद 5 या 7 लेक्चर्स में भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा मैं आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको कराऊंगा ताकि आपका मजीद भी सिलेबस कवर हो जाए। तो ये बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है ये। सही सर, आपने सेशन के एंड पर कोई एक मॉक एग्जाम भी लेना है या वो सेशन के एंड के ऊपर 10 क्लासेस के बाद एक मॉक एग्जाम लेंगे, और सेशन के दौरान 2 से 3 असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा जो कि आप क्वेश्चंस जो होंगे वो आप सॉल्व करके देंगे और फिर मैं आपको इवेल्युएट करके उसके ऊपर फीडबैक दूंगा। जी सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी क्या नाम आ रहा है? अनमोल, आपका अगर क्वेश्चन है तो आप काइंडली अनम्यूट कर लें। सर आई एम डन। आपके हैंड रेज आ रहा था। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि इसमें ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल है क्वेश्चंस के बारे में कि अगर आपके सोक्रेटिक मेथड पूछा है तो वो डायरेक्ट सोक्रेटिक मेथड ही पूछेगा, या अगर इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड पूछा है तो सीधा सीधा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछेगा, या इसमें भी घुमा के पूछ लेते हैं? नहीं नहीं, इसमें फिलोसफी की सबसे अच्छी बात यही है कि जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं वही रिपीट होते हैं। जैसे सोक्रेटिक मेथड के ऊपर शॉर्ट नोट ही आता है, पिछले आप जितने मर्जी पास्ट पेपर्स देख लें, इसके अलावा सोक्रेटिक मेथड के ऊपर कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं किया हुआ। तो इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड के ऊपर या तो कह देते हैं शॉर्ट नोट इंडक्टिव मेथड, शॉर्ट नोट डिडक्टिव मेथड, या कंपेरिजन और डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, बस इससे बाहर वो जाते ही नहीं है। तो ये क्या सही हो गया सर, मेन थीम वही रहता है, आई मीन के घुमाते नहीं है क्वेश्चन को। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी अजीज खान, अगर आपका क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर किसी का ना ये फिलॉसफी मतलब उसमें ये नया हूँ जैसा मैं हूँ, मतलब मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं है फिलॉसफी, लेकिन मैंने ऑप्ट किया हुआ है, तो इससे पहले कि मैं इसका बैकग्राउंड कैसा बना लूँ, ये सारी चीज़ जो टॉपिक्स है, तो इसके लिए कोई ख़ास बैकग्राउंड है ताकि मैं नेट वगैरह पे सर्च करूँ या कोई बुक्स हो
जो मैं पढ़ के मुझे अंदाजा हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड हूँ। यार इसके ऊपर बैकग्राउंड ऐसे ही बनाया जा सकता है, खुद पढ़ने से ही बन सकता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल ये सोक्रेटिक मेथड है, अगर आपको इसके ऊपर लग रहा है कि यार ये मेरे लिए थोड़ा बिल्कुल ही नया है, थोड़ा टफ है, ठीक है, और मुझे इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले चाहिए, तो आप सिंपल यूट्यूब के ऊपर लिख सकते हैं सोक्रेटिक मेथड, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और उसके बाद आप गूगल के ऊपर भी लिख सकते हैं सोक्रेटिक मेथड, कोई अच्छे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह दो तीन पढ़ के अगर आप समझ सकते हैं तो आपको वहां से समझ आ जाएगी। लेकिन अब मैं आपको दोबारा से फॉर एग्जांपल सोक्रेटिक मेथड बता दूंगा कि अब देखिए इसकी एसेंस क्या है, सोक्रेटिक मेथड है क्या। ये बेसिकली ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कोई स्टेटमेंट कहता हूँ ना, मैं आपसे कहता हूँ कि करेज इज इंड्योरेंस ऑफ द सोल। आप फर्ज करें आप सोक्रेटीज हैं, ठीक है, आप अब देखेंगे कि यार इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस निकालो, ऐसे हम सुनी सुनाई बात पे यकीन तो नहीं करेंगे, इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस निकालें कोई होंगी। आप कहेंगे कि यार करेज इज इंड्योरेंस ऑफ द सोल, आप कहेंगे करेज इज अ फाइन थिंग, करेज तो अच्छी चीज है, बट इग्नोरेंट इंड्योरेंस इज नॉट अ फाइन थिंग, इग्नोरेंट इंड्योरेंस तो अच्छी चीज है नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि करेज इज इंड्योरेंस ऑफ द सोल, कॉन्ट्रडिक्शन रिपीट हो गई। अब मैंने भी एक्सेप्ट कर ली कि आप सही कह रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन है, तो फिर मैं मान जाऊंगा कि इंडीड करेज इज नॉट इंड्योरेंस ऑफ द सोल, वो बात गलत साबित हो गई। फिर एक नई हाइपोथेसिस, या हाइपोथेसिस चले एक जार्गन है, स्टेटमेंट कह दे, एक नई स्टेटमेंट आ गई कि करेज इज वाइज इंड्योरेंस ऑफ द सोल। अब इसके ऊपर दोबारा फिर वो शुरू हो जाएगा कि यार अब इसमें भी वो निकालेगा कोई कॉन्ट्रडिक्शंस, लेकिन इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना ही लिख देंगे ना कि स्टेप 5 तक कि करेज इज वाइज इंड्योरेंस ऑफ द सोल, तो आपको नंबर फुल मिल जाएंगे और आपको ज्यादा इस पे जाने की जरूरत भी नहीं। होपफुली इट हेल्प्ड। जी सर, मैंने सिर्फ ये पूछना था कि आज क्लास यहाँ खत्म है, कुछ मजीद टॉपिक तो नहीं पढ़ेंगे? नहीं, बस आज यही हमने पढ़ना था, जनरल डिस्कस करना था और एक टॉपिक हमने पढ़ना ऑलराइट। चलें जी, थैंक यू सो मच। और इसमें आज की हमारी क्लास यही थी, और 28 से सेशन स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपको लगा कि आज की क्लास में जरा जार्गन ज्यादा थे, तो मैं अगली क्लासेस को ट्राई करूंगा जरा ज्यादा इजी अल्फाज में समझा सकूं, बट इंशाल्लाह इसी तरह आपके सारे क्वेश्चंस लेंगे और साथ आपको लेके चलेंगे। जी शुमाइला, थैंक यू सो मच, और चलें टेक केयर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास इज ऑन 28 फेब्रुअरी, इस टॉपिक को बिल्कुल रिवाइज कराएंगे, दोबारा कराएंगे, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे आगे नहीं चलेंगे, कोई मसला ही नहीं। ठीक हो गया, चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।